मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, एक बार अकबर बादशाह की सभा में ये प्रश्न हुआ। बादशाह ने पूछा दरबारियों से कि मन का दुख ज़्यादा बड़ा होता है कि तन का। तो अधिकतम लोगों ने कहा कि हुजूर तन का दुख बड़ा होता है। बीरबल ने कहा कि लेकिन नहीं हुजूर, मन का दुख बड़ा होता है। मन अगर पीड़ित है, दुखी है, भयभीत, चिंतित, शोकित है तो फिर वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो कहा इसका प्रत्यक्षीकरण कराओ, प्रमाण क्या है कि मन का दुख बड़ा है। क्या है हुजूर, हम प्रमाण दे सकते हैं, बताओ। तो दो बकरियां लाई गई, एक बकरी का पैर टूटा हुआ था और उस टूटे हुए पैर वाली बकरी के सामने कुछ घास धर दी गई और एक कमरे में उसे बांध दिया गया और वो बकरी बैठी रही और रात भर बैठे बैठे अथवा खड़े खड़े घास खाती रही और मस्त रही, कोई उसको दिक्कत नहीं रही। हाँ, उस पैर से जब खड़ी थी तो पैर को उठाए थी, बैठी थी तो चुपचाप संभाल करके एक तरफ पैर किए बैठी रही और घास खाती रही। और एक दूसरी बकरी थी, उसके सामने एक सिंह का पुतला रख दिया गया था, शेर का, और वहीं पर बकरी को बांध दिया गया और घास रख दिया गया। अब शेर को देख करके बकरी तो परेशान डरी हुई और रस्सी को खींच करके दूसरी तरफ शेर से विपरीत दिशा में एकदम कांपते हुए खड़ी रही, कैसे रस्सी टूटे और भागे वहां से। लेकिन अब रस्सी थी इसलिए भाग नहीं सकती थी, लेकिन घबराई हुई एकदम बड़ी बड़ी आंखें किए रस्सी को खींचे हुए खड़ी रही। एक तृण भी घास का उसने नहीं खाया। रात बीत गई लेकिन वो खा ना सकी कुछ। सुबह आकर के जब देखा गया, बीरबल ने बादशाह को बुलाया और कहा कि हुजूर देखिए, ये बकरी स्वस्थ तो है, ना पैर टूटा है, ना और कोई इसको दिक्कत है, सामने घास बढ़िया रखी है, लेकिन खा नहीं रही है, एक घास भी नहीं खाई है रात भर। अब भयभीत होकर के रात भर में पेट इसका पोपला हो गया है और भय के मारे परेशान। और दूसरी वाली कोई भय नहीं, लंगड़ी जरूर है, पैर टूटा है, अमस्त घास खाती रही। किसका दुख बड़ा रहा? जिसके सामने भय था ना, जिसके सामने शेर का, मौत का डर था। ऐसे ही संसार में बहुत सारे सुख हैं, लेकिन मन का अगर सुख किसी को मिल जाए तो वो फिर सर्वजयी हो गया। मन के दुख को मिटावें। मन की पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है। अब मन की पीड़ा है क्या? घर घर में जो तनाव है, घर घर में जो कलह है, किस लिए है? बड़ा घर नहीं है इसलिए, बड़ी टीवी नहीं है इसलिए, बड़ा बड़ा मोबाइल सबके पास नहीं इसलिए घर में कलह है, दुख है। यह खाने के लिए रोज खीर पूड़ी नहीं मिलती है इसलिए, यह अच्छे सोने चांदी गहने कपड़े आभूषण नहीं है इसलिए, ये दुख नहीं है। एक ही बात है, सहा नहीं जाता। अमुक ने कुछ ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कुछ कह दिया, सास नहीं सह पाई। सास ने कुछ ऐसा कह दिया, बहू नहीं सह पाई। पति के मन के अनुसार पत्नी नहीं कर पाती, पत्नी के अनुसार पति नहीं कर पाता। ये मन का ना होना, ये मनमय वाली तो समस्या है।
अब मन की समस्या को मिटाया जा सकता है, मिटाओ। साधना का बल अपनावें, सहनशीलता का बल, त्याग का बल, धैर्य का बल, संतोष का बल। शुभगुण साथी जीव के जहाँ चोर मग मांझ, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न सांझ। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जीव के साथी कौन है? घर नहीं, धन नहीं, लोग नहीं, चीजें नहीं, पद नहीं, अधिकार नहीं, रूप जवानी नहीं, सद्गुण जीव के साथी हैं। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि ये जीव के साथी सद्गुण है, और इन चोर जहां पर जिस रास्ते में बहुत से लुटेरे हैं वहां भी ये सद्गुण इस जीव की रक्षा करते हैं। और कब तक रक्षा करते हैं? एक दिन, दो दिन, चार दिन नहीं, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न सांझ। जब तक अंतिम समय ना आ जाए, जीवन की संध्या वेला ना आ जाए, तब तक ये सद्गुण जीव की रक्षा करते हैं। इसलिए सद्गुणों को अपनावें, सद्गुण को बढ़ाइए। लोग चीजों को बढ़ाने में बड़ी श्रद्धा रखते हैं, चीजें परिवार के लोग बटा लेते हैं, चोर उठा ले जाते हैं, समय के साथ में वे अपने आप छीड़ हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन सद्गुण नष्ट नहीं होते, और ये कोई इसके हिस्सेदार भी नहीं होते। खर्च करेंगे तो और बढ़ती भी है ये, इसलिए सद्गुणों को बढ़ाओ और ये हर समय हमारी सुरक्षा करेंगे। जब आप क्षमा के अंग को अपनाएंगे तो मन बड़ा मजबूत हो जाएगा, क्षमावान बने। जिस समय आप दुर्गुणी बनने के संभावना रखते हैं, आपके जीवन में दुर्गुणों को बढ़ाने की संभावना है, उसी समय सद्गुणों को भी बढ़ाने की संभावना है। जैसे किसी ने हमें कटु कह दिया, कटु कह देना एक निमित्त है, निमित्त संसार में रहेंगे, निमित्तों को बदला नहीं जा सकता है। मौसम विपरीत रहेगा, कटु कहने वाले लोग रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चीज़ों की कमी हो सकती है, कोई अपमान कर सकता है, तो ये सब निमित्त हैं, और इन निमित्तों में ही जीना पड़ेगा। निमित्तों को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इन्हीं निमित्तों में अपने को बलवान बनाया जा सकता है। तो हर हाल में हमें अपने को बलवान बनाने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि जैसे हमें किसी ने कटु कहा, उसी समय अब हमारे मन में क्रोध को भी पैदा करने की संभावना है, और उसी क्षण क्षमा को भी पैदा कर सकते हैं। दो रास्ते, किसी ने कटु कहा तो हमारे लिए अब दो विकल्प आ गए, दो में से एक को चुनना पड़ेगा। अगर आपने क्रोध को उसी समय अपना लिया, किसी ने हमें कटु कह दिया, तो दोनों की संभावना है, क्रोध को भी क्षमा को भी हम जवाब दे दिए, कटुतापूर्वक क्रोध कर बैठे। तो देखिए, हमने क्रोध को बढ़ावा दिया और अब क्रोध हमारे अंदर अपना स्थान जमा लिया। अब क्रोध के आते ही परिणाम बदल गया एकदम, अब आगे कहाँ तक जाएगा कह नहीं सकते, मन और खिन्न हो जाएगा, क्रोध में कुछ भी बोल सकते हैं, व्यवहार को खराब कर सकते हैं, अपने उन प्रियजनों का भी हम अनादर पूर्वक, हम भी उनका अपमान कर सकते हैं। किसी ने हमें क्रोध से कुछ कह दिया, निमित्त बना वो, तो हम भी क्रोध करके अपने स्वभाव को, वाणी को, विचार को, व्यवहार को खराब कर सकते हैं। लेकिन उसी समय क्षमा करने की भी संभावना है, सहनशीलता भी अपनाने की संभावना है। हम शांत हो जाएं, सह लें, क्षमा कर दें, तो इसका परिणाम अब क्या होगा? अगर हम शांत होकर के सह लिए तो विवाद से बच गए,
अगले व्यक्ति के मन में इसका गहरा असर पड़ेगा। उसने कटु कहा और हमने शांत होकर मुस्कुरा करके सह लिया। अब उसके मन में पश्चाताप शुरू हो जाएगा, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ना कहता तो भी काम चल जाता, देखो ये तो सह लिए। अब देखिए कितना बड़ा बदलाव आया। हम तो अपने आप में स्वस्थ रहे ही, हमारे मन में प्रसन्नता आई ही, हमारे मन में सहनशीलता और क्षमा सद्गुण की पुष्टि हो गई, आगे के लिए और हम बलवान हो गए और दूसरे को भी स्वस्थ सुखी प्रसन्न बनने के लिए और अपने स्वभाव को सुधारने के लिए हमने मौका दे दिया। तो ये सद्गुणों का ऐसे ही विकास होता है और हमें इन्हीं सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार और भी है, आसक्ति, तृष्णा, मोह, कटुता, ये समस्त सद्गुणों की बात है। एक एक सद्गुण को आप अपनाइए, अपने अपने घरों में जो रह रहे हैं आप अपने स्वभाव पर ध्यान दीजिए। एक सप्ताह के लिए एक सद्गुण का उपयोग करिए, विशेष रूप से आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे एक सप्ताह तक क्रोध नहीं करना है, एक सप्ताह के बाद मैं क्रोध करूँगा। और ये निश्चय करिए कि एक सप्ताह तक कोई मुझे कटु कह देगा, कोई गाली दे देगा, कोई बर्तन तोड़ देगा और कोई नुकसान कर देगा किसी चीज़ को लेकर के, और भी कुछ भी हानि हो जाएगी, मैं क्रोध नहीं करूँगा। केवल इतने आप सोच लीजिए बस। अरे मैं तो कहता हूँ कि एक सप्ताह नहीं, आप दिन के सुबह से लेकर 10 बजे तक को आप केवल संभाल लीजिए, सुबह के 4-5 घंटे का समय आप संभाल करके निभा लीजिए कि मैं सुबह के 10 बजे तक क्रोध नहीं करूँगा। इतना आप संभाल लिए तो बाकी समय अपने आप संभल जाएगा। यही तो नहीं हो पाता है। अक्सर लोग सुबह उठते ही थोड़ा जल्दी उठ गए, अब बच्चा भी सो रहा है, अब सुबह से कटु शब्दों की बौछार शुरू कर दिए और जो कड़वे शब्द से उसको पुकारेंगे, उसको जगाएंगे, अब वो उठते ही नींद में ही जब किसी की कटु वाणी सुनेगा तो उसके मन में आपके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी, वो तो झुंझलाएगा, चिड़चिड़ाएगा और आपके लिए गलत भाव प्रकट करेगा। और फिर सुबह से ही आपने अपने स्वभाव को बिगाड़ा तो दिन भर उसका प्रभाव बना रहेगा। इसलिए इन स्वभावों को सुधारने की जरूरत है। यही तो भजन है। भजन यह नहीं है कि मंदिर में चले जाएं और जल चढ़ा करके घंटी बजा दें और फिर ये सब करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में फिर चले आवें और जैसे तैसे जिंदगी को फिर जीते रहें दिन भर। भजन यह नहीं है कि फोटो के सामने हनुमान चालीसा पढ़ लें, अगरबत्ती जला लें और फिर हाथ जोड़ करके चले आवें और फिर जैसे तैसी जिंदगी जीते रहें दिन भर, ये भजन नहीं है। भजन है स्वभाव को सुधारना। वीर वही जो स्वभाव ही जीते। लोग कहते हैं कि ये क्या करते हैं, तिलक रखाओ, जटा रखाओ, जनेऊ पहनो, घंटी बजाओ, बम बम बोलो और चोटी रखाओ, रामनामी चादर ओढ़ो, मंदिर मस्जिद जाओ, गंगा यमुना आदि में स्नान करो और शंख बजाओ और पता नहीं क्या क्या, अनेक तीर्थों में जा जा करके घूमो, तब लोग कहेंगे कि ये धार्मिक है। ये धार्मिक होने की पहचान नहीं है। धर्म अंदर होता है। सद्गुरु कबीर ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं, सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कसतई रहई। जिसके हृदय में धर्म बसता है वो अपने आप को सब समय राम कसौटी से कसता रहता है। राम कसौटी कौन सी है? अंतरात्मा की कसौटी। अंदर में राम बैठा है ना, सबके अंदर,
रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। आत्मा को राम क्यों कहते हैं? आपके अंदर जो बैठा चेतन आत्मा परमात्मा है, उसको सद्गुरु कबीर ने बारंबार राम कहा है। और सद्गुरु कबीर ही नहीं, बहुत महापुरुषों विद्वानों ने कहा है राम। तो राम कहने का एक रीजन है, उसकी एक अपनी परिभाषा उन्होंने दिया है। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, योगी जन जिसमें रमण करते हैं, रमण करने के कारण उस तत्व को राम कहते हैं। वो तत्व है, वो तत्व क्या है? जड़ तत्व, चेतन तत्व, दो तत्व होते हैं, जड़ और चेतन। जड़ तत्व में चार भाग हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, चार जड़ तत्व हैं। चार ये होते हुए भी चारों में एकता भी है और चारों में बिल्कुल अलग अलग स्वभाव है। पानी एक तरफ कोमल है तो हवा उसका स्वभाव दूसरा है। पानी बिल्कुल स्निग्ध, शीतल, ठंडा, तरल, और हवा बिल्कुल अलग है। मिट्टी एक तरफ कठोर, पत्थर इसी में लकड़ी आदि है, तो आग उसके बिल्कुल विपरीत है। चारों तत्वों के अलग अलग स्वभाव हैं और ये सब अलग अलग होते हुए भी चारों में एकता भी है। कौन सी एकता है? जड़ता की। चारों पूर्ण जड़ हैं, ज्ञान शून्य, तो इन सबको जड़ कहा गया है। जड़ एक शब्द में चारों को बताया गया कि ये सब जड़ हैं। मिट्टी भी जड़ है, पानी भी जड़ है, आग भी जड़ है, हवा भी जड़ है, और चारों एक दूसरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं, लक्षण वाले हैं, लेकिन फिर भी सब जड़ हैं। और दूसरी चीज क्या है जड़ से अलग? चेतन। चेतन देखने की चीज नहीं है, चेतन ही देखता है। चेतन को इसीलिए दृष्टा कहते हैं, और इसी चेतन आत्मा में ज्ञानी जन रमते हैं। उसी में रमने का ये प्रयास है ध्यान शिविर। आप लोग भी देखो, कोई बाहर रमता है, कोई धन में रमता है, कोई घर में रमता है, तो कोई स्त्री या पुरुष में रमता है। तो बाहर रमेंगे और रमेंगे तो फिर उसका मन में प्रभाव आएगा, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, विकार, अहंकार, ये सब आएंगे और मन दुखी रहेगा। लेकिन जब आप अपने आप में रमेंगे, अपने आप में डूबेंगे, अपने आप से प्रेम करने लग जाएंगे, तब वहाँ कौन दूसरा है? कोई विपरीत है ही नहीं है, परम आनंद है, परम सुख है फिर वहाँ। क्योंकि आत्मा में सुख के अलावा कुछ है ही नहीं है। जैसे कि एक मिठाई को आप उठाइए, बर्फी, बर्फी को बाएं से खाएं तो, दाएं से खाएं तो, बीच से खाएं तो, साइड से खाएं तो कैसे लगेगा? मीठे तो लगेगा ना, हर हाल में किसी भी तरफ से उसको खाएंगे मीठा ही लगेगा। ऐसे आपका हमारा जो अपना स्वरूप है आत्मा, हर हाल में सुख स्वरूप है, वो आनंद 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 है। लेकिन फिर इसका हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? इसीलिए अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम इच्छाओं, कामनाओं और इंद्रियों के तरफ रात दिन अपने शक्ति को लगाए हुए हैं। जिस शक्ति से हम संसार को, संसार के विषयों को जानते, देखते, भोगते हैं, उसी शक्ति को जब लौटा करके हम आत्मा में लगा देंगे तब आत्मा का लाभ मिलेगा। संसार को देखते हैं तो संसार का क्लेश, भय, चिंता और क्षणिकता मिलती है। उसी शक्ति को जब हम आत्मा में लगा देंगे तब आनंद की अनुभूति होगी। उसी को भर्तृजी महाराज ने कहा है, कहा विषय को भोग, परम भोग एक और है, जाके होत संयोग, नीरस लागत इंद्रपद।
क्या है विषयों के भोग में संसार का मानव समाज या प्राणी समाज डूबा हुआ है। परम भोग एक और है, परम भोग, विषय भोग और परम भोग। परम भोग है आत्म भोग, आत्मा में रमो, और योगी जन उसी में रमते हैं, और उसी की साधना है साक्षी साधना, दृष्टा की अभ्यास की साधना, तटस्थ होने की साधना। जैसे सुबह के सत्र में पूज्य साहब जी ने बताया कि साक्षी भाव अपनाओ, साक्षी, साक्षी वह है जो साक्ष है। उदाहरण दिया गया था कि जैसे दो व्यक्ति झगड़ रहे हों और अब इनके झगड़े को कोई कैसे निदान करेगा, किसको सही माने किसको गलत माने, तब वो बुलाएगा समाधान करने वाला कि किसने आप लोगों के इस झगड़े की क्रिया को देखा है, कहाँ से शुरू हुई है, किसकी गलती है, तो देखने वाले को बुलाएगा। तो जो देखा है वो आएगा, तब वो बताएगा कि इन्होंने ऐसे कहा है और तब इन्होंने ऐसे कहा, गलती इनकी है। साफ साफ निष्पक्ष होकर के कह देने वाले को साक्षी कहते हैं। इसी तरह हम अपने अंदर साक्षी बने। मन है एक तरफ और दूसरी तरफ आत्मा है। मन जो है इंद्रियों की तरफ ललचाता है और दूसरी तरफ ज्ञान कहता है, विवेक कहता है, नहीं मन को आत्मा की ओर लगाओ, तब हम स्वयं उसके साक्षी बन करके रहें। जब साक्षी बनेंगे तब हम देखते रहेंगे और अपने आप फिर मन से कह देंगे कि नहीं, विषयों की तरफ नहीं, संसार राग भोग की तरफ नहीं, आत्मा की तरफ जब हम मन को लगाएंगे तब शांति मिलेगी। क्योंकि एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। इंद्रियों का जो रास्ता है, भोगों का जो रास्ता है, इच्छाओं कामनाओं का जो रास्ता है, वो प्रेय मार्ग है, प्रेय, प्रिय लगने वाला। लेकिन विचार करें कि जो प्रेय मार्ग है क्या वो सब समय सुखदायी होता है? दूसरा एक श्रेय मार्ग है, श्रेय, श्रेष्ठ, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा लगे, जरूरी नहीं है कि वो सब समय आनंद दे, सुखदायी हो। जैसे कि एक व्यक्ति है, अब वो शराब पीना चाहता है, अब शराब पीने के लिए वो जाना चाहता है ठेके पर, खरीदेगा पिएगा, अब बड़ा सरल लगता है उसे। एक बार ट्रेन में हम चल रहे थे, गुरुदेव जी के साथ थे, एक बुढ़िया सामने बैठी थी और अपनी पान सुपारी की थैली निकाली और सरौता निकाली और सरौता से सुपारी कतरती है करर करर देर तक, फिर पान के पत्ते पर रखती है, चूना लगाती है, फिर जाफरानी झाड़ती है, फिर कत्था लपेटती है और लपेट करके मुख में दबाई और 5 मिनट में कुछ चबा उबा करके फिर थूक दिया और फिर थैली निकालती है, फिर सुपारी कतरती है। देखते रहे कि वो 2-3 घंटे के अंदर करीब करीब 5-6-7 बार 10 बार तक खाई, चबाई, बात करती रहे और फिर थूके, फिर बनावे, यही उसका धंधा चल रहा था। देखो आदत है, बड़ा सरल लगता है। ऐसे हर भोगों की तरफ मन स्वाभाविक उधर लग जाता, आसक्ति बन जाती है। लेकिन इसमें फायदा क्या है? ये प्रिय लगते हैं लेकिन श्रेय मार्ग कठिन लगता है, लेकिन वही शांतिदायी है। श्रेय का मतलब श्रेष्ठ, मन इंद्रियों की आदतों से विपरीत दिशा में चलने वाला रास्ता। जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ाओ तो उसे अच्छा लगेगा, जब शुरुआत में स्कूल भेजा जाता है तो पढ़ने नहीं जाना चाहता, उसका मन नहीं होता है, घर से दूर जाना ही नहीं चाहता है, लिखते पढ़ते और मास्टर की बात सुनते उसको बड़ा भारी लगता है।
लेकिन है यही श्रेय जब माँ समझाती है, साथ भी देती है, सहयोग कई काम में करती है और ले जा कर के फुसला बौरा कर स्कूल भेजती है तो जाता है और फिर धीरे 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 पढ़ना शुरू करता है और आदत हो जाती है। फिर वही बच्चा पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाता है और फिर पढ़ाई के महत्व को समझता है, कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। और अपने मन इंद्रियों की प्रियता में अगर वो लगा रहता, खेलने खाने में लगा रहता, तो क्या कुछ कर पाता? फिर वो एक चरवाहा बन करके रह जाता। इसलिए हम सब लोग श्रेय से उठकर, प्रेय से उठकर श्रेय मार्ग की ओर चलें, सांसारिकता से उठ करके आत्मा की ओर लौटें। तो मैंने साखी उठाया था कि तन की चंचलता, मन की चंचलता और इंद्रियों की सुरति निरत की चंचलता जब समाप्त हो जाती है तब वही क्षण एक पल भी वो कल्प के समान होता है। तो हम सब लोग उस पल का इंतजार करें। इंतजार केवल नहीं करना है, उसकी कमाई करना पड़ेगा। उसकी कमाई होगी इच्छाओं कामनाओं के त्याग से, स्वभाव के सुधार से, अहंकार के सुधार से। ये देखो जो 5 दिन का ध्यान शिविर है, इस ध्यान शिविर में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कोई ऐसी बूटी पी लेंगे और आप सदा के लिए मन से निश्चिंत और स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ रास्ते दिए जाएंगे, कुछ तरीका बताया जाता है और कुछ सद्गुण स्वभाव सुधार, वाणी सुधार, कर्म सुधार के सिस्टम बताए जाएंगे। और जब उन सिस्टम को यहाँ सघन रूप से, विशेष रूप से यहाँ अपनाएंगे आप, तब आपको यहाँ भी काफ़ी लाभ होगा। और फिर उसी तरीके से अपने अपने घरों में जीना शुरू कर देंगे और अपने मन को संभाल कर बच्चों से झगड़ा बंद करेंगे, पत्नी से मीठा बोलना शुरू कर देंगे, पति का भी उनका ध्यान रखेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे, खान पान में लोभ लालच का त्याग करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तब धीरे 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 आपके स्वभाव में बहुत सुधार आता जाएगा और आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपका मन काफ़ी निर्मल हो रहा। तब आप स्वयं महसूस करेंगे कि पहले जितना हम लोग लड़ लेते थे, मन में कटुता रहती थी, अशांति रहती थी, अब ऐसा नहीं है। बहुत लोग आकर के मिलते हैं और कहते हैं कि साहब गुरुदेव संतों की कृपा से, सत्संग के प्रताप से अब हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। जब कुछ लोग आते हैं, भगत लोग ही, और पूज्य साहेब जी के पास या हम गुरुदेव जी के पास थे वहाँ की बात, कुछ भगत लोग कुछ नए लोगों को लेकर के आते हैं और कहते हैं साहेब 2 लोगों की 5 लोगों की दीक्षा होनी है, साहेब इनका जीवन काफ़ी बिगड़ा हुआ था पहले, अब इन्होंने अपने खान पान का सुधार कर लिया है, अब इन्होंने निश्चय कर लिया है कि हम भक्ति मार्ग में चल करके जीवन को जिएंगे, तो साहेब इनको अब दीक्षा दे दिया जाए। तो देखो उन भक्तों ने जगाया और वो धीरे से सत्संग में आए, जाने समझे, महत्व उनको समझ में आया और बदले और अब भक्ति में लग गए। जीवन तो बदला ना, बदलते बदलते बदलता है व्यक्ति। मनुष्य तो बदल सकता है और कौन बदल सकता है भला? कुत्ते को बदल सकते हैं? कुत्ते को कभी नहीं बदल सकते हैं, चाहे जितना उसको खीर पूड़ी हलवा श्रीखंड और मालपुआ खिलाओ, लेकिन छूट पाया और हड्डी पाया तो हड्डी जरूर चूसेगा, कभी नहीं छोड़ेगा ना। लाख खाए जो स्वान चाटने जाएगा, तजके कपूर काग विष्ठा को खाएगा। इसलिए मनुष्य सुधर सकता है, मनुष्य अपने को सुधारे और जगे, समझे, चेते और लगे इस पथ में, निश्चित है उसके जीवन में बदलाव आता है। तो मैंने थोड़ी सी कुछ चर्चाएं किया, अपनी बातें यहीं पर विराम देता हूँ। अब सब लोग सीधा बैठें थोड़ी देर, अंतिम में अब ध्यान करें।